देखो 14.1 में हमारे पास में एक क्वेश्चन है बेटा, इसमें तो नहीं है पर एक देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी हमारे पास दो फ्रिक्वेंसी मिस होगी हमारे पास, क्यों मैं अभी चाहूँ तो मैं आपको मोड भी करा दूँ पर मोड नहीं करा रहा मैं वो वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें हमारे पास दो फ्रिक्वेंसी मिस होती है, दो फ्रिक्वेंसी हमें देनी होगी वो हमें निकालनी होगी जैसे, ठीक है। दो फ्रिक्वेंसी हमारे पास मिस होगी तो मिस की जैसे क्या होगी, तो मान लो मीन है हमारे पास, तो जब मीन में क्या है, बाय द वे मीन में क्या है कि एक हमें डाटा वो दे रखा, डाटा दे रखा है, कह रहे भैया क्लास जो है ना, कह रहे जो क्लास है ना क्लास, कह रहे क्लास 0 से 20 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, ठीक है क्लास है। अरे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी है 17 और इधर का F1, इधर का 32, इधर का F2, इधर का 19 और ये दे रखा है ना, इतना हमारे पास, और ये जो टोटल चलो इतना हो गया, और यहाँ पर जो हमारे पास है ना, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है टोटल, तो टोटल है ना, टोटल टोटल में हमें क्या दे रखा है, टोटल में हमें दे रखा है 120 फ्रीक्वेंसी का सम टोटल है। और एक और चीज़ है इन्होंने एक और चीज़ दिया होता है कि इसमें मीन पहले से गिवन होता है, जो मीन है ना, मीन पहले से गिवन है, मीन कितना गिवन है हमारे पास 50 है, तो मीन पहले से गिवन है 50 हमारे पास। तो जैसे एक तो कल कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, वो मिसिंग वाला थर्ड, एक तो ऐसा सवाल आता है जहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक चीज़ मिसिंग होती है, और एक ऐसा सवाल आता है जहाँ पर दो मिसिंग होती है। तो ये जो F1 है ना, इस F1 को मान लो X मान लो ताकि सवाल बढ़िया सोल्व हो जाए, और इसे क्या मान लो Y मान लो। तो आप ना, आपको पता है कि भैया आप किसी भी कोई भी मेथड कोई सा भी हो, चाहे वो मेथड डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो, आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार तो निकालना ही पड़ेगा है ना लोग, क्लास मार तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ साइड में रोपर कर देता हूँ क्लास मार, तो पता आपको क्लास बार हो पर उसमें, अच्छा एग्जाम में नहीं नीचे लिखना है, नीचे लिखना ना क्लास में, आपको पता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, ठीक है। आप देखो आपको पता है ना जैसे ये, तो जो क्लास मान निकलता है उसको हम xi बोलते हैं, xi, और भाई अपर लिमिट 20 लोअर लिमिट 0, तो 20 प्लस 0 पता ना आपको अमित, 20 प्लस 0 अपॉन में 2 तो क्या आ जाएगा, 20 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10। फिर भाई 40 प्लस 20 60, 60 अपॉन 2 मतलब 30, तो क्योंकि इन सब में 20 का डिफरेंस है, यहाँ 20 का डिफरेंस आएगा, 20 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 20 50 प्लस 20 70 प्लस 20 90 आ जाएगा है ना, 90 आ गया। अब यहाँ पर जो आएगा ना, ये आगे 90 आ गया, अब सर xi तो आ गया, क्या करें देखो बेटा, सर क्या हम अज्यूम मीन मेथड का यूज़ करें, देखो आप किसी भी मेथड का यूज़ करो, चाहे अज्यूम मीन का करो, मतलब अज्यूम मीन मतलब शॉर्टकट, ठीक है जी। चलो मान लो मैं यूज़ कर रहा हूँ शॉर्टकट का, हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं यार, हम डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, तो मैं मान लो यूज़ कर रहा हूँ मैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो भाई शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले हमें ए लेट करना पड़ता है, ए तो एक्स आई में से ए लेट करेंगे, तो एक्स आई में से ए मतलब अज्यूम मीन किसी को लेट कर लो, किसी को भी,
किसको लेट करोगे? 50 को लेट कर लो, तो ए लेट कर लो 50 को। तो ए हमने 50 लेट कर दिया। जब ए हमने 50 लेट कर दिया तो प्रियांशु मंडल उसके बाद क्या करते हैं हम? नहीं, क्या लिखेंगे? डी आई निकालते ना। तो डी आई कैसे निकालते हैं हम? माइनस ए, क्योंकि जो हमारे पास बाय अज्यूमिंग मेथड या बाय शॉर्टकट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड है ना, शॉर्टकट मेथड से क्या लिखते हैं? अगर हम शॉर्टकट मेथड का यूज कर रहे हैं तो मीन बराबर ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई, ये लिखना पड़ेगा आपको। थोड़ा कैलकुलेशन के साथ कम पड़ जाए, ये लिखना पड़ेगा। तो भैया आप इसलिए निकाल लें, डी आई निकाल लें। मैंने कहा एफ आई तो आपके पास है, एफ आई तो ये है, डी आई निकाल लें। तो डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जिसको आपने एलर्ट किया है, किसी को भी एलर्ट कर लो, तो एक्स में से उस ए को माइनस करो, 10 में से 50 माइनस करो माने 40, 30 माइनस 50 50 माइनस 50 70 माइनस 50 90 माइनस 50 40 आ जाएगा। ये आ गया। ये करने के बाद हम करते हैं एफ आई डी आई, ये करने के बाद हम करते हैं एफ आई डी आई है ना। तो एफ आई है 17, डी आई है माइनस, तो माइनस 680। एक्स है ये माइनस का 20, तो ये आ जाएगा माइनस का 20 एक्स, ये क्या आ जाएगा? 0 है ना। तो इससे मतलब एक्चुअली ना, जब हम बीच वाले को वो लेट कर, देखो ए तो आप किसी को लेट कर लो, पर जब हम बीच वाले को ए लेट करते हैं ना, तो फायदा करता क्या मिल जाता है कि एक बंदा 0 आ जाता है। थोड़ा भी एक बंदा हमें कम जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है, और कभी कभी ये कट जाता है ना। जैसे मान लो यहाँ सेम चीज़ माइनस का है, सेम चीज़ प्लस का है, तो वाई इंटू 20 वाई और 90 इंटू 40 1976 760। अब देखो बेटा वन बाय वन चलते हैं। सर फॉर्मूले में आता कि एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई किया ना, इनको जोड़ दो। जब मल्टीप्लाई किया तो जोड़ना पड़ेगा। तो आपको बताया कि पहले आप देखो जो जो एक्स वाले वाई वाले नंबर है ये जुड़ेंगे इनके साथ, तो इनको तो फिलहाल ऐसे लिखो, मतलब यहाँ लिख दो समेसन एफ आई डी आई बराबर। देखो ये 760 है, 760 में घटाओ 680 है ना, कराओ 680 हाँ, 20y माइनस का 20x। बोलने का मतलब ये है 760 में से घटाओगे ये तो 80 आएगा। इनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब यार ये बैरी ये एक्स वाई वाले हैं, ये नंबर के साथ कहाँ ऐड हो जाएंगे, तो इनको तो हम ऐसे लिख देंगे। लिख दिया हाँ भैया, लिख दिया। तो भैया एफ आई डी आई ना ये आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर भैया आप मान लो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा ना, आपको पता है फॉर्मूला एफ आई डी आई चाहिए हाँ है, समेसन एफ आई चाहिए हाँ है, एक तो एक काम करो अब लगा, अब सीधा फॉर्मूला का यूज़ करना चालू कर दो, सीधे फॉर्मूला का यूज चालू कर दो। जैसे एक्स मतलब मीन, हमें जिस सवालों में दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी वहाँ पर मीन आपको पहले दिया होगा। मीन कितना है? मीन 50 है, मीन 50 है। ए कितना है? ए 50 है। समेशन एफ आई डी आई 80 प्लस 20y माइनस 20x, 80 प्लस 20y माइनस अपोनो समेसन एफ आई, समेसन ये समेसन एफ आई है बाबू, ये समेसन एफ आई है, ये 120 ना। अभी काम करो बेटा, देखो एक्चुअली में 120 सिर्फ इसके नीचे है, ये बंदा अलग है। अच्छा एक गधे ने फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ था ऐसे, ये टीचर वही नंबर काट देगा तुम्हारा, आगे चेक करेगा नहीं। ये 50 प्लस इधर आके माइनस, आप एक काम करो बेटा 80 प्लस 20 माइनस 20x अपॉन में 120, ठीक है। ये हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0 बराबर। आप देखो बेटा 80 प्लस 20y माइनस 20x अपॉन में 120, अब देखो बेटा 0 हो गया ना। अब 120 को यहाँ 120 को 0 से गुणा करो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 बराबर
भैया 80 प्लस बीस वाई माइनस बीस एक्स। अब देखो बेटा, आप ना आप इसे काम करो, एक्स वाई वालों को इधर ले आओ बाई साइड, एक्स वाई वालों को बाई साइड ले आओ, ठीक है। तो ये क्या था, ये माइनस का तो क्या जाएगा प्लस का, अरे प्लस का तो इधर क्या क्या जाएगा माइनस का, अरे उधर क्या है, उधर का प्लस का ही रहेगा ना। अब ये काम करो कि इन यहाँ ये 20 प्लस का 20 एक्स माइनस का 20 वाई प्लस का 80, तो एक काम करो इन सब में किसका डिवाइड दो, सब 20 का डिवाइड जा रहा ना, एक्स माइनस वाई बराबर क्या 40 हो गया ना। तो ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट, 20 का क्या सॉरी 4 ये आ गया। अब भैया इसमें तो एक ही इक्वेशन बन रहा है, देखो आपको ना एक और क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, वो बनाना ऐसा पड़ेगा, आओ कैसे बनाना पड़ेगा कि जब आप इसको 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 जोड़ोगे, एक काम करना दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा। देखो बेटा जब आप देखो एक काम करना, इन सबको जोड़ते हैं ठीक है भाई, ये 17 है, अगर 32 में जोड़ेंगे हम 17 तो 49, हाँ भाई 49 और 19 68 होगा। तो देखो इसको इसको जोड़ कितना आया 68 आया ना, 68 आया, फिर प्लस एक्स प्लस वाई। तो भाई कायदे से इसको 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 जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 120 ना, तो बराबर 120 रख दिया हमने ठीक है। 68 को वहाँ भेज दे तो 68 प्लस का वहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई, जब घटाओगे ना 120 में से तो 52 आएगा, 52 आएगा ना, है ना। इसको दूसरा मान लो, और अब एक काम कर, एक इक्वेशन ये रही ये है और एक ये है, दोनों को अब आपने 10th क्लास में सीखा, मतलब 10th में ही आप चैप्टर 3 में सीखा हुआ है। तो एक x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 52 ठीक है। तो प्लस है ना, दो इक्वेशन है ना सोल्व करना आपको पता ही है, तो प्लस माइनस प्लस का x माइनस का x कैंसिल है ना, और 2x बराबर क्या आ जाएगा 56, कितनी बार जाएगा 14 बार, x बराबर 14 आ गया ना, हाँ अच्छा ये कितना आएगा सॉरी भाई 28 आएगा, 28 आया। अब इसके वैल्यू कहीं पुट कर दो, आप कहाँ पुट करोगे, अगर फर्स्ट टर्म पुट करोगे मान लो कहीं पुट करो इसकी वैल्यू ना, तो अगर यहाँ पुट करोगे मान लो, तो भैया 28 माइनस वाई बराबर 4, थोड़ी बहुत मैथ आती है उसको वहाँ भेजोगे ना, तो माइनस का 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा, तो कैंसिल तो वाई बराबर क्या जाएगा, तो एक लास्ट में हैंस एक्स बराबर 28 वाई बराबर 24, एक तो ये आ जाएगा। तो देखो इसको तो मैंने किया है डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट से। एक और सवाल लेता हूँ मैं ऐसे ही, जिसको मैं किससे करूँगा डायरेक्ट से, कन बात वही है भाई। अरे मामला क्या है भाई, ये सवाल है, ये भी सवाल था, इतना तो मुझे दिया हुआ था, अब मुझे बोला गया था भाई जो इस सारे का क्या है मीन है वो 50 है। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो हम करते हैं चाहे वो क्लास, चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, हम सब में क्या करते हैं भाई, क्लास वहाँ निकालते हैं, क्लास मान कर फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपन में 2, तो जब निकाला ये आया, फिर मैंने कहा क्योंकि आप लोग यूज़ कर रहे हो शॉर्टकट मेथड, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई शॉर्टकट मेथड में पहले हम ए लेट करते हैं है ना, तो एक्स आई में सही यानी जो आपका क्लास मान के किसी को ए लेट कर लो, ए कर लिया, क्योंकि जो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है वो है मीन बराबर ए प्लस समेसन एफ आई डी आई फॉर्म में समेसन एफ आई, तो जो डी आई होता है डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई क्या हमारे पास है ना, एक्स आई 10 में घटाओ 50 माइनस 40 30 माइनस 50 ये आया, फिर डी आई निकालते हैं भाई एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करते हैं, ये कर दिया हमने, फिर जो फॉर्मूला होता है एक्स भैया मीन तो सवाल में गिवन होगा पहले से ही 50,
ए 50 या एफ आई डी आई सबका सम, ये सॉल्व किया, ये इससे यहाँ भेजा मान ये हो गया, इसको यहाँ भेजा जीरो हो गया, एक इक्वेशन बन गई। फिर हमें पता कर एक इक्वेशन बनी है तो दूसरी इक्वेशन भी बननी चाहिए, तो इन सबको जो सम होगा वो कितना होगा, 120 होगा ना, तो इसको इसको जोड़ा 120, दो इक्वेशन बन गई। ठीक है भाई, दो बन गए हमारे पास। बोलो, देख बेटा एक सवाल हमारे पास और है, मिसिंग वाला एक और सवाल है। इसमें क्या हमारे पास, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो क्या है ये, इसमें हमारे पास दो चीज़ें मिस हैं, मिसिंग है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू, और इसका मीन 8.1 दिया हुआ है। ठीक है, पिछले वाला सवाल मैंने कराया आपको शॉर्टकट मेथड से, इसे मैं करा रहा हूँ डायरेक्ट मेथड से। और दूसरी चीज़ जो मैंने कल आपको क्वेश्चन कराया था जिसमें एक चीज़ मिसिंग थी, वो मैंने किससे कराया था, वो भी शॉर्टकट से कराया था मैंने ना। अच्छा, मिसिंग वाला, चलो कोई नहीं, वे तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ रेफर करता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ रेफर नहीं, यहाँ ना सॉल्व करता हूँ। तो पहले आपको निकालना क्लास मार्क, क्लास मार्क आपको निकालना पड़ेगा, अपर प्लस लोअर अपॉन में टू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में टू। आप लोग ऐसा मत करना यू प्लस एल लिख के टू आ गए, हाँ इसको सी एम मत लिखना सीधे। जैसे आपको पता है एक्स आई क्लास मार अपर लिमिट दो लोअर लिमिट जीरो है ना, जैसे सर जीरो प्लस दो अपॉन में दो कितना आएगा सर, यानी एक आएगा। सेम टू प्लस फोर सिक्स, आज सिक्स अपॉन में टू, तो क्योंकि इन सब में कितने का डिफरेंस है, दो का। ठीक है, ठीक है, तो क्या ये आ जाएगा फाइव, सब में दो का डिफरेंस है क्या, सेवन नाइन थर्टीन। अब अगर हम कर रहे हैं बाई डायरेक्ट मेथड, तो भैया मीन बराबर समेशन आप एक्स आई, तो डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे ऐसे करते हैं, क्या चाहिए आपको, समेशन एफ आई एक्स आई, एफ आई ये रहा एक्स आई ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बात करो बेटा, वन इंटू वन वन, थ्री इंटू एक्स फाइव इंटू वन, एक काम करते हैं पहले सिंपल नंबरों को जोड़ देते हैं, जो सिंपल नंबर है। ठीक है, जो सिंपल नंबर है, देखो एक काम करो, देखो 9 2 11 11 4 15 15 5 20 और 1 21। ठीक है, 3 2 5 5 10, और 10 और 2 है ना, 2 करी थे ना 12, ये आ गया। अरे इसको 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 जोड़ने पर 121 आया, फिर इसको इसको ऐसे इनके साथ जोड़ दो, यानी 3x प्लस 7 आए। ध्यान देने क्या है, हाँ समझ रहा पाए, एक्स वाई है, देख लें चक्कर इतना इतना आएगा ना, ये आ गया। तो फिर एक काम करो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लगाओ फॉर्मूला, तो मीन हमें पहले दे रखा है 8.1, समेशन एफ आई एक्स आई 3x 7y 121, 3x प्लस 7y अपोन में समेशन एफ आई, तो समेशन एफ आई क्या है 20, है ना, थोड़ी यहां से सॉल्व कर देते हैं, 8.1 इंटू 20 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 7y प्लस 121,
बेटा जीरो, टू वन जा टू, टू एट जा सिक्सटीन, पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, यहाँ पॉइंट आएगा। थ्री एक्स प्लस सेवन वाई प्लस, देख बेटा 121 प्लस इधर आके माइनस, 3x प्लस 7y कितना आएगा बोलो, 41। जोड़ो दो पक्का, 3x प्लस 7y बराबर 41 आ गया। भाई चाहे तुम करो शॉर्टकट मेथड से, चाहे करो डायरेक्ट से, दो इक्वेशन तुम्हें बनानी बनानी है। अरे एक ही बनी ना, एक तो बन गई यहां से। अब क्या नाम है इसका, शिव प्रकाश, शिव प्रकाश भाई एक तो बन गई ये इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? एक तो ये बन गए ना, दूसरी इक्वेशन बनानी हमें, स्पर्श कहां से आएगी? जैसे एक तो ये बन गए ना, एक तो भाई सोल्व करके बनी, चलो इसके जगह ये रख दिया, ये रख दिया। अब दो ही भाई एक्स वाई निकालेंगे, दो ही क्वेश्चन चाहिए। हाँ निखिल, इससे 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 बनेगी कुछ, जहां पर एक्स वाई होगा वहीं से तो बनेगी जीतू, जहां पर एक्स वहीं से बनेगी। मतलब देखो इन इनको जोड़ देखो भाई, देखो वन प्लस वन टू, प्लस सिक्स प्लस टू, प्लस थ्री थर्टीन, अब प्लस में वाई, तो इन सबको जो सम आना चाहिए 20 आना चाहिए ना, प्लस में आ जाएगी कितना हो जाएगा 7। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा एक ही है ना। अब एक काम करो, दोनों को सोल्व करते जरा, दोनों को सोल्व करते हैं। एक है एक्स प्लस वाई बराबर सेवन, दूसरा 3x प्लस 7y बराबर, भाई एक काम करो आप दोनों को सोल्व करो। देखो जिस बच्चे को नहीं आता ना, अगर जैसे ये भी जैसे प्लस, अगर मान लो प्लस का 7y होता और ये माइनस का 7y होता तो कैंसिल कर देते। तो पहली बात तो ये 7y है, पर यहाँ 7 है नहीं, ये 3x है या 3 है नहीं। तो ये आपको, आपने चैप्टर 3 पढ़ा हुआ है, तो या तो इसको भी बना दो 3x, या इसको बना दो 7y। तो मान लो हम बना रहे 7y बना रहे हैं, कुछ भी कर दो यार, तो ऊपर वालों के सुन ट्राई कर दो 7 से। तो y हो जाएगा 7x प्लस 7y बराबर 49 है ना, और एक 3x प्लस बराबर 41। अब आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे भैया, साइन क्यों चेंज करने? देख बेटा अगर ये 7y प्लस होता और ये माइनस होता तो तुम काट देते, पर भाई काटने के लिए सबके साइन चेंज, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो गए। 7x में घटाओ 3x, 4x घटाओ कितना आएगा 8, दो बार जाएगा ना एक्स दो। अब इसकी वैल्यू कहीं पटक कर रख दो, पहले में रख दो, सेकंड में रख दो ना, एक्स प्लस वाई बराबर 7, दो प्लस वाई है ना, हाँ वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 आ गया, तो वाई 5 ये। तो ये आपके एनसीईआरटी का दूसरा सवाल था है ना, पहला दूसरा था, पहला एनसीईआरटी 14.1 का ये पहला सवाल था, क्यों निखिल, जिसमें मैंने दो बंदे मिस कर दिए थे, देख ले देख ले, चेक कर ले, यहाँ पर दो है ना, यहाँ पर 5 है। अब भाई एक सवाल आप लगाओगे, एक सवाल आप लगाओ किसी